हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था, राइट? आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का हेडिंग दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड क्या होते हैं? अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच्ड है तो इन्हें बोलते हैं हाइड्रा एसिड, राइट? एंड इन केस अगर हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से अटैच्ड है, फिर ऐसे एसिड को बोलते हैं ऑक्सी एसिड। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये अभी हम लोग ऑक्सी एसिड का केस डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड है, पहले इनका नेम लिखता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, H2SO3 और H2SO4, फिर H3PO3, H3PO4, HNO2, HNO3, HClO2 एंड HClO3। इनका अगर नेम देखा जाए तो वैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि H2SO3 को अपन सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड एंड H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? सिमिलरली H3PO3 ये होता है फॉस्फोरस एसिड एंड H3PO4 ये हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। एक बार नेम देखिए, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। HNO2 का नेम होता है नाइट्रस एसिड, HNO3 सब जानते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। HNO3 का नेम होता है नाइट्रिक एसिड एंड HClO2 को बोलते हैं क्लोरस एसिड एंड HClO3 होता है क्लोरिक एसिड। तो फिर से यहां पे सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 एक बार रिपीट करिए, आपको अभी लर्न हो जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एंड सल्फ्यूरस ये तो आपने 10th में पढ़ा होगा। फॉस्फोरिक एसिड भी H3PO4 ये भी आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी HNO3 होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, राइट? क्लोरिक एसिड भी कुछ लोग पढ़े होंगे, HClO3 को क्लोरिक एसिड बोलते हैं। बस ये H3PO3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस एसिड। जैसे H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, वन ऑक्सीजन हटाया H2SO3 तो ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, वन ऑक्सीजन हटाया तो H3PO3 ये हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। नाइट्रिक एसिड अगर आपको याद है तो नाइट्रस एसिड, वन ऑक्सीजन हटाइए HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलेंगे। सिमिलरली क्लोरिक एसिड HClO3 है, वन ऑक्सीजन हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? HClO2, और इसे बोलेंगे क्लोरस एसिड। क्लियर है? तो आपको अगर ये नेम पहले तो लर्न करो, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्लोरस एसिड एंड क्लोरिक एसिड। अगर आपको ये लर्न हो गया, फिर अपन इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, राइट? देखिए, आपको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इनका, बहुत ही सिंपल सा की पॉइंट है, जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं, राइट? तो बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम एक चीज ध्यान रखें कि फर्स्ट पॉइंट, जितने भी हाइड्रोजन हैं, जैसे यहां पे H2SO3 में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। H2SO4 में भी 2 हाइड्रोजन है। H3PO3 में 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ OH बॉन्ड। मतलब जितने हाइड्रोजन है आप सेंट्रल एटम से उतने OH बॉन्ड दे दीजिए। पहला पॉइंट याद रहेगा, बस याद रखिए ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ OH बॉन्ड। एक चीज याद रखिए, ये एक्सेप्ट फॉर फॉस्फोरस।
अगर सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है फिर इसके लिए ये रूल वैलिड नहीं है। याद हो गया पहला पॉइंट, जितने हाइड्रोजन है उतने OH बॉन्ड देने वाले हैं फॉस्फोरस छोड़ के, मतलब फॉस्फोरस का एसिड है, मतलब फॉस्फोरस वाले एसिड है, इनमें ये रूल नहीं यूज करना है। फॉस्फोरस वाले के लिए सेकेंड पॉइंट, फॉर या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इफ सेंट्रल एटम इज फॉस्फोरस देन पी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, आप ऐसे लिखेंगे। अगर सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है तो आप पी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, बाकी कुछ भी आप लिखेंगे। अगर सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है तो पहले ये देना पी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये स्ट्रक्चर मस्ट है, होगा ही होगा। दो रूल आप पहले याद रखिए, फिर बाकी सारे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों याद हो गया? अगर फॉस्फोरस सेंट्रल एटम नहीं है तो जितने हाइड्रोजन है उतने OH दे दीजिए, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फॉस्फोरस है फिर पी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH देना मस्ट है, राइट? एक चीज और याद रखिए, मैंने आपको बताया कि अगर सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड है, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मतलब नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान रखें आप। नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या? सेकेंड पीरियड कि अगर एलिमेंट हैं तो इनका ऑक्टेट कभी भी एक्सटेंड नहीं होगा, ये लाइन बस याद रखे रहे आप। अब चलिए आप सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे अब देखते जाइए। आपको H2SO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, राइट? H2SO3 कैसे ड्रॉ करेंगे? बीच में सल्फर, कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH बॉन्ड दे दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, OH OH, एक ऑक्सीजन और रिमेनिंग है तो डबल बॉन्ड हो, पॉइंट चमका। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 यूज हो गए तो एक लोन पेयर रहेगा इसके पास, सिंपल है यार। चलिए देखिए एक बार फिर से, H2SO4 सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH होंगे, मीन्स मैं कैसे लिखूंगा, आप ऐसे लिख दो सल्फर 1 OH 1 OH, राइट? और अभी भी 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग है तो आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो लगा दिया। नेक्स्ट बात करें H3PO3, अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है, H3PO3 अगर फॉस्फोरस है फिर आपको क्या ध्यान में रखना है, कुछ भी हो पहले तो P डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH रहेगा, एंड फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो यूज हो गया, अभी भी 2 हैं। देखो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन यूज हो चुका है, ध्यान से सुने, क्या क्या यूज हो चुका है? 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन यूज हो चुके हैं, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, तो जितने यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमेनिंग है मैं इनको मिला के 1 OH बॉन्ड दे सकता हूं। आपके पास क्या रिमेनिंग था? 1 ऑक्सीजन रिमेनिंग था, 2 हाइड्रोजन रिमेनिंग था, तो 1 OH हो जाएगा। एक और क्या रिमेनिंग है देखिए, यहां पे P डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH दिया, तो मेरे पास अभी 2 हाइड्रोजन और 1 वन ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन मिलके 1 OH हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन और रिमेनिंग है, बस 1 हाइड्रोजन लिख दीजिए आप, नहीं चमका ना? फिर से देखिए, अगर आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, 1 हाइड्रोजन यूज हो गया, और अभी क्या है आपके पास? 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन रिमेनिंग है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन रिमेनिंग है, तो ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? OH OH दे दो यार, चमका। इनकेस अगर मान लो, चलो मैं एक और बताता हूँ आपको, यहीं पे H3PO2 का स्ट्रक्चर, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता क्या करते आप? फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो और OH देना मस्ट है, फॉस्फोरस है तो डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH, 2 बॉन्ड और बनाएगा, सारे ऑक्सीजन यूज हो गया, 1 हाइड्रोजन यूज हुआ है, अभी 2 हाइड्रोजन और है, क्या करेंगे यहां पे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दीजिए, चमका क्या? चलिए नेक्स्ट मैं अगर आपको और भी सिखा देता हूं, चलो इनको तो ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए अगर आपको H2CO3 होता, ये भी ऑक्सी एसिड है, कार्बोनिक एसिड, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देखो ये एक्सेप्शन वाला नहीं है, तो यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ OH बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 OH दे दो, 1 OH 2 OH, एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है डबल बॉन्ड ओ, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगर अपन ऐसे ही H3BO3 का अगर स्ट्रक्चर देखें,
थ्री हाइड्रोजन है तो थ्री ओ एच बॉन्ड, तो बोरॉन के पास थ्री लोन पेयर, थ्री ओ एच दे दो यार। बस ये की पॉइंट याद रखिए, सारे स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, चलिए अपन आगे देखते हैं। अगर चलो एक यहां पे ड्रॉ करते हैं, एच फोर एस आई ओ फोर, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो एक्सेप्शन वाला नहीं है, फॉस्फोरस के लिए पी डबल बॉन्ड हो, ओ एच होना मस्ट है, बाकी तो कुछ भी है यहां पे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ ओ एच है। क्या करेंगे आप? सिलिकॉन, राइट, फोर हाइड्रोजन है, फोर ऑक्सीजन है, क्या करेंगे? फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फोर ओ एच दे दो यार, जितने हाइड्रोजन उतने ओ एच बॉन्ड। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। एच एन ओ टू, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्सेप्शन नहीं है, वन हाइड्रोजन वन ओ एच बॉन्ड देना है। नाइट्रोजन वन हाइड्रोजन वन ओ एच, राइट, नाइट्रोजन के पास फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन यूज हो गया, वन ऑक्सीजन और है तो डबल बॉन्ड ओ दे दो यार। अभी भी ऑक्टेट देखो कंप्लीट है इसका, एट इलेक्ट्रॉन है। एच एन ओ थ्री, नाइट्रोजन फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वन हाइड्रोजन तो वन ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ में नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज यहां पे नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, नाइट्रोजन के पास 4 प्लस 4 प्लस 2, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाया है, मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। राइट, तो क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करिए, और यहां पे डबल बॉन्ड था, बॉन्ड ब्रेक करके यहां पे प्लस यहां पे माइनस लिख दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे तमीज से लिखिए कि नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखिए। चलिए फिर HClO2 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फिर से वन हाइड्रोजन है तो वन ओ एच बॉन्ड क्लोरीन, वन ओ एच, रिमेनिंग सिक्स इलेक्ट्रॉन तो वन डबल बॉन्ड दे दो, बाकी लोन पेयर रहेंगे। HClO3, खुद से सोचिए क्या होगा, वन हाइड्रोजन तो वन ओ एच बॉन्ड, बाकी आपके पास थ्री लोन पेयर है, दो ऑक्सीजन और है तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये लोन पेयर रहेगा यहाँ पे। क्लियर है? आप ऐसे ही स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर सकते हो यार। HClO का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्लोरीन है, क्लोरीन, फिर वन हाइड्रोजन है तो वन ओ एच बॉन्ड, रिमेनिंग थ्री लोन पेयर यहाँ पे। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप। एक और आप ट्राई करिए, H5IO5, तो H5IO6 होता है, H5IO6 और H2SEO4, इन दोनों का स्ट्रक्चर खुद से आप प्रेडिक्ट करिए। चलिए इसमें देखा जाए, तो ये एक्सेप्शन वाले नहीं है, क्या करेंगे आप? आयोडीन के पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव हाइड्रोजन है तो फाइव ओ एच बॉन्ड, वन ओ एच, टू ओ एच, थ्री ओ एच, फोर ओ एच, फाइव ओ एच, और फाइव ऑक्सीजन यूज हो गया, वन ऑक्सीजन अभी भी है, क्या करेंगे? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है? H2SeO4, ये भी फिर से सेलेनियम के पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन ओ एच वन ओ एच, अभी भी यहां पे टू लोन पेयर है तो यहां पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। आई होप इतना क्लियर है, आप बहुत इजीली आप ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जब अपन आगे आते हैं, अब अपन बात करते हैं कि अगर वन सेंट्रल एटम है फिर तो आपको ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर मोर देन वन सेंट्रल एटम है फिर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, अब ये सीखते हैं। तो हेडिंग कीजिए,
फॉर ऑक्साइड, पहले मैं ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सिखा रहा हूँ, बाद में इसी को अपन एक्सटेंड करेंगे ऑक्सी एसिड में. देखिए फॉर ऑक्साइड हैविंग मोर देन वन सेंट्रल एटम, आपको आप ये समझ सकते हैं ऑक्साइड है इसमें मोर देन वन सेंट्रल एटम है, राइट. इसमें केस वन, देखिए केस वन लिखिए कि इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन एटम इज ऑड देन एक्स ओ एक्स लिंकेज इज प्रेजेंट, राइट. मतलब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मोर देन वन सेंट्रल एटम है, जैसे मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है ए और मान लीजिए टू है और ओ का नंबर कुछ भी एन है, राइट. ए टू ओ एन है, मोर देन वन सेंट्रल एटम हो गया और ऑक्सीजन का नंबर लेट्स से एन है, तो अब एन आइदर इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है. तो मैं केस वन ये ले रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर ऑड है देन एक्स ओ एक्स लिंकेज होगा, मीन्स इस केस में अगर सेंट्रल एटम ए है ए ओ ए लिंकेज प्रेजेंट होगा, क्लियर है. बाकी आपको कुछ सब एज इट इज लिखना है, जैसे मान लीजिए मैं सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं, आपको Cl2O7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, राइट. सबसे पहले मोर देन वन सेंट्रल एटम है, नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट ऑक्सीजन का नंबर सेवन है, ये ऑड है. अब क्या करें, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन ऐसे लिखिए. आपके पास अभी सिक्स ऑक्सीजन रिमेनिंग है, इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करें. ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड हो, 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 डबल बॉन्ड हो. पॉइंट समझ में कैसे ड्रॉ करना है. सर मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दे रहा हूं, Cr2O7 माइनस H2O7 माइनस I2O5 N2O5 Si2O7 6 minus I2O3 N2 O3. अब चलिए यहाँ पे देखिए एक बार, अब Cr2O7 माइनस है फिर ये स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे. सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे टू क्रोमियम एटम है, नंबर वन पॉइंट, मीन्स मोर देन वन सेंट्रल एटम है. पॉइंट नंबर टू, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर सेवन है, राइट. क्या करेंगे, सबसे पहला थॉट क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, यहाँ पे ये लिंकेज प्रेजेंट होगा, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, आपके पास सिक्स ऑक्सीजन अभी भी है, राइट. अब होता क्या है, एक चीज ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सीजन है राइट तो ये ओ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये चीज ध्यान रखो. ऑक्सीजन न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टेट में डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. लेकिन अगर ओ पे नेगेटिव है, ये ओ नेगेटिव जस्ट सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है. ये लाइन आप याद रख लो यार. अभी न्यूट्रल एटम है अगर ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड ओ फॉर्म करेगा. ओ नेगेटिव है तो ये ओ नेगेटिव सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है. ओ नेगेटिव क्या करता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है. न्यूट्रल ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. याद हो गया. अब यहां पे देखिए, मेरे पास क्रोमियम सारे यूज हो गए, वन ऑक्सीजन यूज हो गया, मेरे पास सिक्स ऑक्सीजन है. सिक्स ऑक्सीजन में टू नेगेटिव है, मींस यहां पे ओ टू बेसिकली ऐसे होंगे, ओ नेगेटिव होंगे एंड फोर ऑक्सीजन न्यूट्रल होंगे. पॉइंट चमका, सिक्स ऑक्सीजन है और टू नेगेटिव है. मैं इसको कैसे सोच रहा हूं, टू ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, ओ नेगेटिव दो होंगे, रिमेनिंग फोर ऑक्सीजन न्यूट्रल होंगे. ओ नेगेटिव को सिंगल बॉन्ड से, न्यूट्रल ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से. इसको एक ओ नेगेटिव इसको दे दीजिए, ओ नेगेटिव इसको दे दीजिए, ओ नेगेटिव सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे. फोर न्यूट्रल ऑक्सीजन है, टू न्यूट्रल ऑक्सीजन इसको, टू न्यूट्रल ऑक्सीजन इसको, सिमेट्री मेंटेन करें. डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ,
डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, क्लियर है? आप चलिए ये देखिए, बहुत ही सिंपल है आपके लिए, H2O7 2 माइनस, ये हो जाएगा सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, राइट? आपके पास 6 ऑक्सीजन है, फिर से 6 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो 1 O नेगेटिव इसको, 1 O नेगेटिव इसको, फिर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए I2O5 है, फिर से मोर देन वन सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन का नंबर ऑड है, तो पहला थॉट ही आएगा कि IOI लिंकेज होगा, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, वैसे आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 बॉन्ड बनाया, तो एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, N2O5, इसमें क्या होगा, फिर से N O N डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड नहीं दे सकता क्योंकि 5 बॉन्ड बना लेगा, तो क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ दे देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, राइट? Si2O7 6 माइनस है, 6 माइनस है, यहाँ पे देखिए फिर से 2 सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, 6 ऑक्सीजन और 6 नेगेटिव है, मतलब मेरे पास 6 ओ नेगेटिव है, 3 ओ नेगेटिव इसको, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, क्लियर है? I2O3 ड्रॉ कर सकते हैं आप, आयोडीन ऑक्सीजन आयोडीन, 2 ऑक्सीजन और है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, राइट? बाकी यहाँ पे 2 लोन पेयर रहेंगे, N2O3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन और है, तो फिर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, लोन पेयर, लोन पेयर, राइट? लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है N2O3 का, ये इंटरचेंजेबल है, मतलब ये इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंजेबल, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंटरचेंज एन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, तो इन दोनों में ये इंटरचेंजेबल होता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि N2O3 का स्ट्रक्चर ये भी होता है और ये भी होता है, राइट? अब देखिए यहां पे जो रूल है कि अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑड है तो आपको एक्स ओ एक्स लिंकेज देना है, बस इसमें 2 एक्सेप्शन है, राइट? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसमें एक्सेप्शन क्या है, इस रूल में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1 H2O3 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर होता है वैसे SOS होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे होता है S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव O नेगेटिव, ये इसका स्ट्रक्चर होता है H2O3 2 माइनस का। सिमिलरली सेकेंड यहाँ पे एक्सेप्शन है H2O5 2 नेगेटिव, यहाँ भी क्या होता है S सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H2O5 कितना हो गया 4, यहाँ पे ऐसा हो सकता होता है H2O5 2 नेगेटिव में, वैसे सोचा जाए तो यहाँ भी SOS लिंकेज होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है, यहाँ पे S सिंगल बॉन्ड S होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O माइनस होता है, बस ये 2 एक्सेप्शन आप याद रखिए, अदरवाइज कहीं भी ऑक्सीजन का नंबर अगर ऑड है तो आप ये XOX लिंकेज होगा ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, राइट? ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। ये तो हो गया केस 1 कि अगर ऑक्सीजन का नंबर ऑड है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और समझें आप, अगर आपको Cr2O7 2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गया तो अगर मैं आपको दे दूं H2Cr2O7 इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, क्या करना है आप Cr2O7 2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप यहां से 2H प्लस हटाओगे, मतलब समझे आप, जैसे अगर मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 में से अगर 2H प्लस बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा SO4 2 माइनस, तो अगर H2Cr2O7 से अगर 2H प्लस हटाओगे तो आपको मिलेगा Cr2O7 2 माइनस, तो H2Cr2O7 का स्ट्रक्चर और Cr2O7 2 माइनस का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होगा, बस O माइनस के प्लेस पे क्या होगा H अटैच हो जाएगा, मीन्स H2Cr2O7 का स्ट्रक्चर
यहाँ पे OH अटैच कर दो, ये हो गया H2Cr2O7 का स्ट्रक्चर, चमका। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि H2S2O7 का स्ट्रक्चर, तो अगर H2S2O7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो अगर आप H2O7 2- का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे 2H+ अटैच कर दो, मीन्स OH OH, O माइनस जहाँ पे लिखा है आपने, माइनस पे आप H+ अटैच कर दो, OH OH, तो ये हो जाएगा H2S2O7, इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ भी अगर आपसे पूछे H2S2O3 का स्ट्रक्चर, किसका, H2S2O3 का स्ट्रक्चर, तो आप H2O3 2- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है आपको, इसमें बस 2H+ अटैच करोगे, मींस O माइनस पे H, यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड H, ये हो जाएगा H2S2O3 का स्ट्रक्चर। सिमिलरली H2S2O5 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है, H2O5 2- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है, तो H2S2O5 बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर है। तो चलिए ये था केस वन, अब बात करते हैं केस टू। इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इवन, अगर ऑक्सीजन का नंबर इवन है फिर क्या करेंगे। हेडिंग दीजिए, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इवन देन, अगर आपको ऑक्सीजन का नंबर इवन है इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा। फिर से क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं देन फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, राइट। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम फाइंड करना पड़ेगा। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नंबर वन, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज विद इन रेंज, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में है देन एक्स एक्स ऐसे ही एक्स लिंकेज इज प्रेजेंट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज है फिर यहां पे एक्स एक्स लिंकेज प्रेजेंट रहेगा, मतलब सेंट्रल एटम से ही अटैच रहेगा, आइदर वो सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, बस इतना फिक्स है कि सेंट्रल एटम नेक्स्ट सेंट्रल एटम से अटैच रहेगा। पॉइंट नंबर टू, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज आउट ऑफ रेंज देन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज है देन यहां पे एक्स ओ ओ एक्स लिंकेज इज प्रेजेंट, मीन्स यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज, ओ सिंगल बॉन्ड ओ को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, तो यहां पे एक्स ओ ओ एक्स लिंकेज प्रेजेंट रहेगा। आपको यहां पे दो चीज नहीं समझ में आई होगी, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज क्या होता है, और सेकेंड थिंग ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज क्या होता है, राइट। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखो यार, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, अगर बहुत ही सिंपल टर्म में बताऊं, चार्ज ऑन एटम, मींस किसी भी एटम पे कितना चार्ज है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज ऑन एटम। तो मैं बहुत ही बेसिक आपको बता रहा हूं, वैसे अपन ये डिटेल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है पहले, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी के लिए आप एक दो रूल याद रखें, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। पहला रूल ये है कि रूल नंबर वन ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, इस रूल का मतलब क्या है मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। रूल नंबर टू,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज यूजली माइनस टू, जनरली होता है, ठीक ना, ऑलवेज जरूरी नहीं है, जनरली माइनस टू होता है। अभी हम जो यहाँ पे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में, यहाँ पे आप ऑक्सीजन का माइनस टू मान सकते हैं, वैसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक ना। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन। ये तीन रूल अभी के लिए आप याद रखें। रूल नंबर वन क्या है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, माइनस टू, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन। अब इस रूल का मतलब समझते हैं। CO2 मॉलिक्यूल है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मतलब समझें आप, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होता है, राइट। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस टू। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, मींस कार्बन पे एक्चुअली चार्ज कितना है। चलो मान लेते हैं, रूल ये है कि जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लीजिए, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लिया, कुछ अननोन वेरिएबल एक्स मान लिया, राइट। अब आते हैं रूल नंबर वन पे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। CO2 पे चार्ज जीरो है, CO2 पे चार्ज जीरो है, मैं बोल सकता हूं यहां पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस दो ऑक्सीजन है, टू इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल पे CO2 पे। आप ऐसी आंखों से देखिए कि CO2 पे कोई चार्ज दिख रहा है आपको, प्लस वन माइनस वन कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, मीन्स इस पे चार्ज होगा जीरो, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एक्स है, प्लस टू इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन माइनस टू है, इक्वल टू जीरो, सो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज प्लस फोर। मीन्स यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या है, प्लस फोर है। चलिए पॉइंट नंबर टू, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, CO3 2-। फिर से मैं अब रूल यूज करूंगा, मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, इसका मैं एक्स मान लेता हूं, ऑक्सीजन का तो मुझे पता है माइनस टू, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस थ्री ऑक्सीजन है, तो थ्री टाइम्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज माइनस टू, सो दिस इज इक्वल टू माइनस टू, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एक्स है, तो एक्स प्लस थ्री इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, माइनस टू होता है, हमें पता है, तो थ्री इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू, सो एक्स विल बी प्लस फोर। मीन्स यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है, क्लियर है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल, SO2। अब आपको फाइंड करना है SO3, सल्फर का फाइंड करिए, एंड फिफ्थ SO4 2-, सल्फर का फाइंड करिए जरा। सिक्स्थ H2CO3 में कार्बन का, सेवेंथ H2S2O8 में सल्फर का। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है नेक्स्ट, H4P2O5 यहां पे फॉस्फोरस का। ट्राई करी, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। थर्ड में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, आप इसको एक्स मान लीजिए, राइट। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्स प्लस टू इंटू वन ऑक्सीजन का माइनस टू, टू इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, चार्ज जीरो है,
एक्स इक्वल्स टू प्लस फोर। आपका आंसर प्लस फोर आना चाहिए था। यहाँ पे सल्फर एक्स ऑक्सीजन का माइनस टू मान लीजिए, तो एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो एक्स विल बी प्लस सिक्स। यहाँ पे सल्फर प्लस सिक्स में है, एसओ फोर टू माइनस में सल्फर का फिर से एक्स मान लीजिए। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है आप इसको एक्स मान लीजिए, तो यहाँ से एक्स प्लस फोर इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस टू, सो एक्स विल बी प्लस सिक्स। यहाँ पे देखिए H2CO3, हाइड्रोजन का वैसे आपको पता है प्लस वन होता है, ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, कार्बन का एक्स मान लीजिए। फिर से रूल यूज करिए, टोटल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो टू इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन टू इंटू प्लस वन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एक्स प्लस थ्री इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन माइनस टू इक्वल टू चार्ज जीरो। तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, सो एक्स विल बी इक्वल टू कितना प्लस फोर। क्लियर है। सिमिलरली H2S2O8 में फिर से हाइड्रोजन का प्लस वन, ऑक्सीजन माइनस टू, सल्फर का एक्स मानिए। क्लियर है। तो यूजुअली क्या होना चाहिए आपको यहां पे, प्लस टू प्लस टू एक्स प्लस एट इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस सिक्सटीन प्लस टू माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, एक्स विल बी प्लस सेवन। राइट, यहाँ पे आपका x प्लस सेवन आ रहा है। राइट, अब मैं आपको बताऊंगा ये x प्लस सेवन हमारा फॉर्मूले से आया है, फिर से बता रहा हूँ एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप फाइंड कर सकते हो प्लस सेवन आएगा। ठीक ना, अभी स्टार मार्क कर देना आप इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक ना, H4P2O5, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन प्लस वन, ऑक्सीजन माइनस टू, फॉस्फोरस प्लस एक्स मान लीजिए, तो ये प्लस फोर, फोर इंटू प्लस वन प्लस फोर प्लस टू एक्स, फाइव इंटू माइनस टू माइनस टेन इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, सो एक्स विल बी प्लस थ्री। ये आपका आंसर आया होगा, मैच कर लीजिए। मतलब अब देखो आपने ऐसे फॉर्मूले से क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। राइट, अब अपन आते हैं, अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया, अब समझते हैं रेंज क्या होता है। सो ये पार्ट में इरेज कर देता हूँ, चाहो तो पॉज करके लिख लो जल्दी से। अब एक चीज ध्यान रखें आप कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू ग्रुप नंबर के इक्वल हो सकता है। राइट, और मिनिमम वैल्यू ग्रुप नंबर माइनस एट के इक्वल हो सकता है, ग्रुप नंबर माइनस एट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर माइनस एट से ऑलवेज ज्यादा होगा एंड ग्रुप नंबर से ऑलवेज कम होगा। अब इसका मतलब क्या है समझें आप, कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन सिलिकॉन जो फैमिली है फोर्थ ग्रुप के हैं, ठीक, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक फिफ्थ ग्रुप के हैं, वो 5A वाला फिफ्थ ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ये क्या है सिक्स्थ ग्रुप के हैं, फिर फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब सेवेंथ ग्रुप के हैं। राइट, तो कार्बन और सिलिकॉन इनका देखा जाए मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकता है, ग्रुप नंबर माइनस एट, फोर्थ ग्रुप माइनस एट। आपको ये फोर्टीन्थ ग्रुप नहीं मानना है इस फॉर्मूले में, ग्रुप नंबर मीन्स 4A 5A 6A 7A 8A, तो 4 माइनस एट माइनस फोर से लेके ग्रुप नंबर प्लस फोर मीन्स माइनस फोर से लेके प्लस फोर में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक इन सब के लिए ग्रुप नंबर माइनस एट, फिफ्थ ग्रुप के हैं ये, तो फाइव माइनस एट माइनस थ्री से लेके प्लस फाइव तक, ग्रुप नंबर फाइव है तो प्लस फाइव। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम सिक्स्थ ग्रुप के हैं, तो सिक्स माइनस एट माइनस टू से लेके प्लस सिक्स तक। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस क्या हो जाएगा माइनस वन से लेके प्लस सेवन। ये पॉइंट चमका,
तो ये जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेके +7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हाँ, +7 से बाहर नहीं होगा, मतलब +8 क्लोरीन कभी नहीं आएगा, -1 से नीचे मीन्स -2 -3 कभी नहीं आएगा। तो अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +7 के बीच में आ रहा है, मीन्स ये रेंज में है, विद इन रेंज है, +7 से ज्यादा आ रहा है इनकेस आपका फॉर्मूले से, तो वो आउट ऑफ रेंज हो गया। ये बोलने का मतलब है मेरा विद इन रेंज और आउट ऑफ रेंज, तो ये इनका रेंज हो गया। पॉइंट चमकाइए, जैसे मान लीजिए सल्फर है, तो सल्फर के लिए रेंज क्या है, कहां से कहां तक होगा, -2 से लेके +6 तक, ये विद इन रेंज हो गया। और अगर +6 से बाहर कुछ आ रहा है या फिर -2 से थोड़ा कम आ रहा है, तो ये सब आउट ऑफ रेंज हो गया। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी मान लो +7 या +8 आ गया फॉर्मूले से, मीन्स ये आउट ऑफ रेंज है। चमका क्या? तो अब अपन बात करते टॉपिक पे आते हैं, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवन है, राइट, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवन होने के केस में आपको देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम यूजुअली यही होते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन द रेंज है, इस केस में एक्स 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 लिंकेज होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज है, इस केस में पेरोक्साइड लिंकेज होगा। पेरोक्साइड लिंकेज मीन्स एक्स ओ ओ एक्स लिंकेज होगा। पॉइंट चमका इतना। अब चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, H2O42- H2O62- H4O62- H9O62- N2O4। S2O82- and 9th P2O8 4-। एक और लिख लीजिए आप, P2O6 4-। चलिए यहां पे देखते हैं, राइट। सबसे पहले अगर आप यहां पे देखेंगे, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम मोर देन वन है, इस केस में आपको ऑक्सीजन का नंबर अगर देखा जाए यहां पे इवन है, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। वैसे आप टेंशन ना लें, अगर आप प्रैक्टिस करोगे अभी, जैसे नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर जब कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो इसके बाद आप बहुत इजीली देख के जस्ट बता सकते हो कि क्या होगा, राइट। आप इसे कैलकुलेट करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा +3 होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये +5 होगा, ये 4x-12 इक्वल टू -2, तो ये +2.5 होगा, ठीक। अब ये फाइंड करना आपको बहुत इजी आ जाएगा, ये भी 9x इक्वल टू 10, तो x इक्वल्स टू 10/9, ये +4। यहां पे देखा जाए
प्लस 4/3, ये हो जाएगा 4/5, ये आएगा आपका प्लस 7, और प्लस 6, प्लस 4। पहले तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा, राइट? आपको भी टाइम लग सकता है स्टार्टिंग में, अगर आप 11th में हो तो। लेकिन एक बार आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया, देखो सल्फर का रेंज -2 से लेकर +6 के बीच में होता है, ये विद इन द रेंज है, विद इन द रेंज है, इसका मतलब यहाँ पे सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर XX लिंकेज होगा। अब मैंने H2 दे दिया, 4 ऑक्सीजन है, देखें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्राई करिए। इनमें से 4 ऑक्सीजन में से O2 माइनस है, तो 1O माइनस इसको, 1O माइनस इसको, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्लियर है। यहाँ पे भी विद इन द रेंज है, बिकॉज सल्फर का रेंज -2 से लेके +6 के बीच में होता है, तो ये अपन बोलेंगे S सिंगल बॉन्ड S, O2 माइनस है, तो 1O माइनस, 1O माइनस, 4 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्लियर है। यहाँ पे S4O6 है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर से विद इन द रेंज है, तो यहाँ पे सल्फर 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 सल्फर, 4 सल्फर है, एक्स 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 लिंकेज दे दो यार, 6 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें आप, 6 ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन इसको, 3 ऑक्सीजन इसको, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओ माइनस, ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, राइट। S9 है, विद इन द रेंज है, तो यहाँ पे सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से वैसे ही O6 2 माइनस, 1O माइनस, 1O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। N2O4 नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड नहीं दे सकता, 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, क्लियर है। यहाँ पे देखिए C3O2, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। C5O2 है, फिर से विद इन द रेंज है, तो कार्बन 5, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, राइट। यहाँ पे देखिए सल्फर आउट ऑफ रेंज हो गया, बिकॉज सल्फर का रेंज -2 से लेके +6 के बीच में होता है। अब क्या होगा, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, आपको पेरोक्साइड लिंकेज देना पड़ेगा, कितने ऑक्सीजन और रिमेनिंग है आपके पास, 6 ऑक्सीजन है, जिनमें से 2 माइनस है, ओ माइनस, ओ माइनस, फिर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस का रेंज -3 से लेके +5 के बीच में होता है, ये +6 हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया। क्या होगा यहाँ पे, फॉस्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऐसे होगा। O8 4 माइनस है, क्या करेंगे, 2O माइनस इसको देंगे, 2O माइनस उसको दे देंगे, 6 ऑक्सीजन यूज हो गया, अभी मेरे पास 2 ऑक्सीजन और है, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, आई होप इतना क्लियर है। फिर चलिए P2O6 4 माइनस, इन द रेंज है, यहाँ पे देखिए +4 ही है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, P सिंगल बॉन्ड P, राइट, 4O माइनस है, 1O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, 2 ऑक्सीजन और है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, आई होप इतना क्लियर है, राइट। अब इस रूल में बस एक एक्सेप्शन है, बस वो देख लीजिए, इस रूल में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज S2O2 2 माइनस। यहां पे अगर S2O2 है तो बस यहां पे ध्यान ही रखना आपको कि ये S डबल बॉन्ड S, O माइनस, O माइनस, मतलब एक्सेप्शन क्या है यहां पे, SS लिंकेज तो है यहां पे, लेकिन ये दोनों O माइनस एक ही सल्फर पे हैं। अगर आप चाहो खुद से ड्रॉ करना चाहो तो आप क्या करोगे, एस ओ माइनस डबल बॉन्ड एस ओ माइनस दे दोगे, जो कि गलत है। मतलब ये डिराइव कहां से हुआ, तो ये SO3 2- से डिराइव हुआ है, SO3 2- का स्ट्रक्चर था एस ओ माइनस, ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ, ऐसा होता है। तो यहां से ऑक्सीजन को एक सल्फर ने रिप्लेस किया है,
तो यहां से अगर वन ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करोगे तो H2O2-2 मिल जाएगा, बस ये आप ध्यान रखिए। राइट, तो ये था बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। अब अगर आपको ये सारे स्ट्रक्चर पता है, राइट, तो आप जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे कि H4P2O8 का स्ट्रक्चर, आपको अगर इस एसिड का स्ट्रक्चर दे दे H4P2O8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आप ड्रॉ कर सकते हो। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं अभी। मैं अब ये तो हो गया आपने ऑक्साइड का ड्रॉ किया स्ट्रक्चर। अब अगर आपको मान लीजिए दे दे कि H4B2O5, फिर लेट्स से H4B2O6, H2C2O4, H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7, H4P2O8, H2S2O8, इन सब के अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हो, तो यार अगर आपको ये नाइन का समझ में आ गया तो फिर ये बहुत सिंपल है, सेम रूल यहां भी अप्लाई होगा, ठीक ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ट्राई करिए जरा इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, जो भी मैंने रूल बताया है फिर से, ठीक ना, वो सेम रूल यहां भी वैलिड होगा। सोचिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए H4B2O5 है, राइट, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो ऑड है, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन। अब दोनों रूल को कंबाइन करिए आप, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑड है, यहाँ पे देखिए दो सेंट्रल एटम है, मोर देन वन सेंट्रल एटम है, तो फिर आप ऑक्सीजन का नंबर देखिए, ऑक्सीजन का नंबर ऑड है तो BOB लिंकेज हो जाएगा। अब क्या करना है, आपके पास फोर ऑक्सीजन है, फिर से वो रूल में चले जाओ ऑक्सी एसिड वाला, कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने OH होंगे। फॉस्फोरस के केस में क्या ड्रॉ करना है, पी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ड्रॉ करना है। अब दोनों को देखो मैं मिक्स कैसे कर रहा हूं, बीओबी लिंकेज लिखा, फोर हाइड्रोजन फोर ऑक्सीजन है, क्या करोगे, ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, क्लियर है। यहाँ पे देखिए H4B2O6 है, ऑक्सीजन का नंबर ऑड है, सॉरी इवन है, अगर ऑक्सीजन का नंबर इवन हो गया फिर आपको दो रूल दो केस आएंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन द रेंज है तब तो ठीक है, आउट ऑफ रेंज है तो फिर आपको XOOX लिंकेज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्लस वन हाइड्रोजन का, इसका -2, इसका एक्स मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, +4 +2x -12 इक्वल टू 0, तो 2x -8 इक्वल टू 0 +4, और बोरॉन थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मैक्सिमम तो +3 होता है यार, तो ये मैक्सिमम से ज्यादा है, मींस आउट ऑफ रेंज है, इट मींस यहाँ पे हो जाएगा बोरॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोरॉन, पॉइंट चमका। अब क्या आपके पास फोर ऑक्सीजन फोर हाइड्रोजन रिमेनिंग है, तो क्या करेंगे, ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच दे दिया, क्लियर है। H2C2O4, यहाँ पे आप कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करिए तो ये आएगा +3, ऑक्सीजन का नंबर इवन है, मोर देन वन सेंट्रल एटम है, तो आपको ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा, विद इन द रेंज है, विद इन द रेंज है, इसका मतलब कार्बन कार्बन लिंकेज होगा। फिर क्या करना है आपको, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से OH OH, दो ऑक्सीजन और है तो हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, क्लियर है। H4P2O5 ऑक्सीजन का नंबर ऑड है, अब ध्यान से सुनना, फॉस्फोरस अगर है, राइट, दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, अगर फास्फोरस है तो पी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच होगा ही होगा, याद हो गया, फास्फोरस है तो पी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच होगा। अब रूल नंबर यहां पे आ जाइए, मोर देन वन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन का नंबर ऑड है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी ओ पी, ये दे दिया,
फिर मैंने क्या बोला था, फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड ओ ओ एच होगा ही होगा, डबल बॉन्ड ओ ओ एच होगा ही होगा। पॉइंट चमका। अब देखिए ऑक्सीजन 5 था, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन यूज हो गया, 4 हाइड्रोजन है, 1 और 2 हाइड्रोजन, मेरे पास 2 हाइड्रोजन और है, तो क्या करूंगा मैं, 1 हाइड्रोजन इसको, 1 हाइड्रोजन इसको। क्लियर है क्या? फिर से आगे बात करते हैं, H4P2O6, ऑक्सीजन का नंबर अब यहां पे इवन हो गया, ऑक्सीजन का नंबर इवन हो गया, फिर आपको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा, -12 +4 +4 आएगा, ये +4 मींस विद इन द रेंज है, इट मींस क्या होगा ये, विद इन द रेंज मतलब फास्फोरस, फास्फोरस लिंकेज यहां पे, चलो मैं यहां पे इसका ड्रॉ कर देता हूं, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, ये दे दिया। मैंने क्या बोला था, फास्फोरस है तो पी डबल बॉन्ड ओ एच देना ही देना है आपको, डबल बॉन्ड ओ ओ एच दे दो, डबल बॉन्ड ओ ओ एच दे दो, पहले तो दे दो यार दोनों को, फास्फोरस है ऑक्सी एसिड है तो पी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच देना ही देना है, बस यही रूल दो है यार, याद रख लो। अब आगे की बात करते हैं, ऑक्सीजन 6 है, मैंने 4 ऑक्सीजन यूज कर लिया, हाइड्रोजन 4 है, मैंने 2 हाइड्रोजन यूज किया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और है, मतलब क्या करूं, 1 OH 1 OH हो गया। यहां पे देखिए H4P2O7 फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 14 4 10 +5 आएगा, आप फाइंड करना, मतलब ये देखो फास्फोरस का मैक्सिमम +5 होता है, मतलब ये रेंज में है, फास्फोरस का रेंज -3 से +5 के बीच में होता है, रेंज में है, इसका मतलब यहां भी, अच्छा सॉरी ऑक्सीजन का नंबर ऑड है ना यार, ऑक्सीजन का नंबर ऑड है तो फिर तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, पीओपी लिंकेज देना पड़ेगा। पॉइंट चमका। पॉइंट नंबर 2, फास्फोरस का ये एसिड है तो डबल बॉन्ड ओ ओ एच देना ही देना है, डबल बॉन्ड ओ ओ एच देना ही देना है, कितने ऑक्सीजन यूज हो गया, 5 ऑक्सीजन, 7 है, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यूज हुए हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन अभी भी हैं, तो 1 OH 1 OH। क्लियर है? यहां पे देखिए +6 आ रहा है बिकॉज ऑक्सीजन का नंबर इवन है, +6 है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब आपको आउट ऑफ रेंज हो गया, मीन्स यहाँ पे पी ओ ओ पी लिंकेज देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड ओ ओ एच देना ही देना है, डबल बॉन्ड ओ ओ एच देना ही देना है। अब क्या बचा, 6 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 8 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, मतलब 1 OH इसको, 1 OH इसको। क्लियर है? H2S2O8 सल्फर यहाँ पे कितना में है, +7 में यार, तो क्या हो जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, बिकॉज आउट ऑफ रेंज है, SOOS लिंकेज होगा ही होगा। अब क्या करें, नॉर्मल सल्फर का ये कंपाउंड है, जितने हाइड्रोजन है उतने OH होगा, 2 हाइड्रोजन 2 OH दे दो मेरे भाई, 1 OH 1 OH, 4 ऑक्सीजन यूज हो गया, 4 ऑक्सीजन और है मेरे पास, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है क्या? देखो आप किसी भी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, बस दो चीज याद रखो, पहला पॉइंट एक ही पॉइंट था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ओ एच सबके लिए, फास्फोरस है तो पी डबल बॉन्ड ओ एच दो। पॉइंट नंबर 2, मोर देन वन सेंट्रल एटम है, फिर क्या करेंगे आप, अगर ऑक्सीजन का नंबर ऑड है तो एक्स ओ एक्स लिंकेज देंगे, ऑक्सीजन का नंबर इवन है फिर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन द रेंज है तो एक्स एक्स लिंकेज, ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज है तो एक्स ओ ओ एक्स लिंकेज देंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनकी नेम कैसे लिखते हैं, नेम कैसे होते हैं, मेटा फिर परॉक्स नेम, जैसे यहाँ पे अस एसिड है, इक एसिड है, हाइपो एसिड होता है, नेम लिखना सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, राइट? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।